क्लियर सो फर्स्ट आएगा हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन एंड मोर इलेक्ट्रॉन जो जो कंप्लीट ट्रांसफर कर देते हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट जो है ट्रांसफर वो कर ही देते हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो आइनिक uh, बॉन्ड बनाते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि वो कंप्लीटली डोनेट कर देते हैं क्लियर सेकंड आएगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग अब दो तरह से होती है एक तो दोनों तरफ से शेयरिंग हो ठीक है और एक उसे हम बोलेंगे कोवलैंड बॉन्ड अब दोनों तरफ से शेयरिंग होती है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड हम उसे बोलेंगे जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बट शेयर दोनों पूरा का पूरा मॉलिक्यूल करेगा उसे हम डेटिव बॉन्ड बोलेंगे क्लियर अब आएगा लुइस सिंबल ये लुइस सिंबल बेटे ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं हम इसको ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही बनेगा जैसे लिथियम है लिथियम का ऑटोमिक नंबर कितना आएगा थ्री ठीक है तो उसकी शेल कितनी बनेगी टू एंड वन अब टू वाली तो ड्यूपलेट है वो तो स्टेबल हो गई वन जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतने वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शो करेगा जैसे लिथियम के पास वन है आउटर मोस्ट में तो वन डॉट लगा दी बेरेलियम का अटोमिक नंबर कितना है फोर तो इतनी कॉन्फिग्रेशन बनेगी टू एंड टू तो टू तो स्टेबल ही है और जो बाकी के टू हैं वो आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे तो ये बेरेलियम दो इलेक्ट्रॉन को शो करेगा बोरोन का अटोमिक नंबर है फाइव तो ये बन जाएगा टू एंड थ्री ठीक है तो टू तो स्टेबल हो गया थ्री उसके आउटर मोस्ट शेल में है तो वो थ्री इलेक्ट्रॉन को जो है डॉट के तरह शो करेगा और जो आ, कार्बन है उसका कितना हो जाएगा ये सिक्स होता है ये अटोमिक नंबर तो ये आ जाएगा टू एंड फोर क्लियर तो टू यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा फोर आउटर मोशन में तो फोर इलेक्ट्रॉन लगा देंगे हम देखो अब कार्बन की ही जो है चारों साइड पे इलेक्ट्रॉन है इसीलिए कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है वो हर तरह से अपने आप को अटैच करवा सकता है इस और वो इसी तरह से अपने फोर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है हर किसी के साथ और वो लॉन्ग चेन की प्रॉपर्टीज बना सकता है जिसे हम कैटिनेशन बोलते हैं टेंथ में ये पूरा चैप्टर हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कार्बन के ऊपर ही किया है क्लियर तो जितने भी बेटे ये सारे के सारे जो एटम्स हैं एलिमेंट हैं उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम डॉट के साथ यहाँ शो करवा देते हैं जिसे हम लुइज डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे क्लियर सिग्निफिकेंस उसका क्या निकला है द कॉमन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज इधर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट इन द लुइज सिम्बल ऑफ दीज आर एट माइनस द नंबर ऑफ डॉट या तो उसके बराबर होगी या फिर उससे कम होगी मतलब एट होने चाहिए तो ऑब्वियसली उससे कम ही होगी क्लियर तो यहां तक हमने लुइस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है अब नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड क्लियर अब आयनिक बॉन्ड हमने पहले ही पढ़ा था कि कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाती है इलेक्ट्रॉन की फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ सोडियम है सोडियम का नंबर है अटोमिकलेवन एंड क्लोरीन है क्लोरीन का नंबर है कावेंटीन तो सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे टू एट एंड वन और क्लोरीन के हम क्या लिखेंगे टू एट एंड सेवन अब देखो यहां पर इसके आउटर मोस्ट शेल में वन है अब ये सेवन इलेक्ट्रॉन ले तो नहीं सकता क्योंकि इतनी इसने न्यूक्लियस को ज्यादा होल्ड नहीं करके रखा हुआ तो ये वन इलेक्ट्रॉन क्या है वो डोनेट कर देगा क्लियर अब क्लोरीन जो है वो अपने सेवन इलेक्ट्रॉन तो डोनेट नहीं करेगा ना तो उसे सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन ही चाहिए तो वो हाईली इलेक्ट्रिव है तो ये एन ए जो है जो सोडियम है वो अपना वन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा क्लोरीन को कम्प्लीट ट्रांसफर कर देगा तो ताकि ये टू एट तक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोडियम भी पॉजिटिव बना के स्टेबल हो जाए और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो नेगेटिव बना के वो स्टेबल हो जाए तो इन दोनों ने कंप्लीट ट्रांसफर कर दी है तो ये NaCl का कंपाउंड बना देंगे जो कि सबसे स्टेबल कंपाउंड है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाता है आयनिक का समझ में आई है बात सो वेन अ बॉन्ड इज फॉर्म बाय द complete ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन आइटम टू अनदर सो एज टू complete their आउटर मोस्ट ऑर्बिट बाय अकरिंग एट इलेक्ट्रॉन्स और टू इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन लिथियम एक्सेट्रा hence acquired द स्टेबल nearest नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन द बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड आइनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्लियर तो उससे हम या तो आयनिक बॉन्ड बोलेंगे या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे इसकी एक एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको यहाँ एन के तौर पे बताई है वो इन्होंने ये बनाई है कि ए यहां पर है ए पॉजिटिव इधर रहेगा वो एक इलेक्ट्रॉन जब वो डोनेट कर देगा तो वो एलिमेंट पॉजिटिव बना लेगा और वही जब एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेता है तो वो बी नेगेटिव बना लेता है क्लियर जो डोनेट करते हैं दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव क्लियर हो गई बात इसी तरह से ये देखो यह सोडियम और क्लोराइड का है, मैंने फॉर्मेशन जो आपको यहाँ रिएक्शन में बताई है वो यही है सोडियम टू एट वन टू एट इधर रह गया एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने डोनेट कर दिया ठीक है और यहां पर क्लोरीन है टू एट सेवन यही इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे गेन कर लिया तो ये टू एट एट और ये नेगेटिव कंपाउंड बना देगा तो ये तो हम अलग अलग लिख रहे हैं अगर हमने इकट्ठा लिखना हो तो इज एग्जैक्ट है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इसने इसको दे दिया और इसने गेन करके ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गए यहां प्लस का साइन आएगा जब ये रिएक्शन हो रही है जब रिएक्शन हो जाएगी तब ये कम्पलीट प्रोडक्ट बनेगा तब सेंटर में प्लस का साइन नहीं आएगा तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना इसे ट्रांसफर कर दिया तो ये आ जाएगा क्लियर उसी तरह से इसके कैल्शियम फ्लोराइड के भी हैं आयनिक बॉन्ड कुछ और भी हैं इसकी मैं आपको पिक सेंड करूंगी जस्ट डू अ प्रैक्टिस अपने कॉपी पेन पे इसकी प्रैक्टिस करो अगर नहीं समझ में आता है, तो फिर दोबारा से पूछो अदरवाइज कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये लोइस टॉपिक ओके थैंक यू बेटा